देश में चल रही वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सभी लोग अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं दौसा सांसद जसकोर मीणा ने अपने लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1200 खाद्य सामग्री के पैकेट रवाना किए और ये भी कहा कि दौसा जिले के जो मजदूर भारी राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी लगातार मदद की जा रही है। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की लोगों से अपील की। लालसोट और चाकसू के कल वितरण हो चुके हैं और आज 6 विधानसभा जिसमें दौसा है, बांदीकुई है, सिकराय है, महुआ है, थानागाजी और बस्सी, इनके किट आज जाएंगे और ये मंडल अध्यक्ष हमारे सभी जगहों से आ चुके हैं और इनको अब ये देकर भेजेंगे। क्या क्या सामान है? सामान में आटा भी है, साबुन है, बिस्किट है, सैनिटाइजेशन है, मास्क है और दाल है, ऐसी आवश्यक सामग्री जो आज उन्हें जरूरत है वो हम दे रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि कोई परिवार चने भूंगड़े भी हैं, चावल के मुरमुरे भी हैं, मक्का के फूले भी हैं, तो ये जितने भी जा सकें और गरीबों तक पहुंच सके तो मैं सोचती हूँ। और जो लोग हमारे मजदूर बाहर से आके गाँव में बैठ गए हैं उनके पास भी अभी संसाधन नहीं, तो उन तक भी हमारी पहुँचाने का लक्ष्य है कि ये पहुँच जाएँ। और भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ता सब लगे हैं इस काम में और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली तभी मैंने ये व्यवस्था की। समय पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन